आप देख सकते हैं हमारी हालत टाइट से टाइट हो गई, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सोनिक। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रामडिगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, जो चंद्रपुर के थोड़ा आसपास में ही पड़ती है। और उसको उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देख के हमको बहुत अच्छा लगा था, तो अभी हमने सोचा कि उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो दोस्तों, रामडिगी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक वर्धा रोड होते हुए जा सकते हैं या फिर एक उमरेड रोड होते हुए जा सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम है। तो हमारे घर से उमरेड रोड पास पड़ रहा है, तो हम वहाँ से जाएंगे। तो देखिए, तो दोस्तों अभी अभी हमने उमरेड क्रॉस किए और अभी हम जा रहे हैं। होता सांगा बार रस्ता मिंजारी मुरपार खरसंगी। हाँ, खरसंगी वरून जाता चारगाव। हाँ, चारगाव वरून मग डावे हाता रामडिगी पडते। अच्छा, हाँ ठीक है ना, धन्यवाद काका जी, धन्यवाद। तो अभी गाड़ी चला रहा है आलिशान, आपको थोड़ा नॉइस में प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि हमारे पास पूरे अच्छे मतलब माइक्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हम वॉइस ओवर वगैरह ट्राई करेंगे। आप गाइस ये व्यू देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत ही सुंदर। और वैसे भी हम ये फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है, वाओ। इधर है, इधर है, ऐसा उधर मत चलो, उधर मत चलो, सीधा रास्ता तो सीधा ही जा रहा ना। कौन सा रास्ता? तो सीधा ही जा रहा ना। कौन सा? गूगल मैप किधर लो? अरे वो रोड है ना, ये रोड कहाँ जा रहा है? ये वाला? हाँ वही तो रोड है, गड्ढे वाला। अरे गड्ढे वाला नहीं ना ब्रो, गाली मार देने है। ये इधर से डालो, ये वाला नीचे, ये वाला, हाँ ये डाल, जो रोड दिख रहा ना वही रोड रहता है, ये जल्दी वाइट वाला दिख रहा है ना, वही रोड है, ये कहाँ से जंगल के अंदर डाल रहा है, वहाँ निकल लेंगे। ओके ठीक है, तूफान है। अच्छा है वैसे ये रोड, भाई रोड काफ़ी अच्छे है, मतलब अच्छे है। ऑफ रोडिंग पर कोई बाइकिंग करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छे है। बहुत गर्म है हिमालय, आई मिसिंग हिमालय, हिमालय 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 पाइजे, हिमालय पाइजे, हिमालय पाइजे। रोड की हालत थोड़ी गंभीर है, गंभीर है, गब्बर का रोड गंभीर है, नंबर गंभीर है। अच्छा हुआ दोस्तों हमने कल ही सर्विसिंग करा ली है, वरना आज हमारी सर्विसिंग हो जाती थी। अंकल ने धोखा तो नहीं दिया है? अंकल ने बोले थे ये इधर जाना उधर जाना, ओ भाई। तो दोस्तों ये रोड देख सकते, इतना ब्यूटीफुल है। अच्छा रुक, उतरना ठीक है। तो ये हम दूसरे रोड से आ गए, आपको मैं बोलूँगा कि आपको मेन रोड से आई, ये थोड़ा जंगल वाला रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम वहाँ पहुँच गए, बस जा ही रहे, रास्ता काफ़ी बेकार है,
कहीं से उतारू चल नहीं यही से काका राम डिगी लगा अच्छा है राम डिगी पास मिले पास मिले पास मिले। तो दोस्तों हम रास्ता में हमको पता नहीं था तो भैया से पूछ रहे कि रास्ता कहाँ जाएगा करके भाऊ राम डिगी लगा अच्छा है सरड सर अच्छा 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 ठीक है ना जस्ट दूर है का 15 किलोमीटर यार क्या प्लेस है मतलब क्या करो तारीफ। तो हम जाने वाले थे अपने डेस्टिनेशन तक लेकिन रास्ते में ये बहुत ब्यूटीफुल लेक मिल गया है। ये जंगल के अंदर ही है पेज के अंदर तो सोचा कि कुछ कुछ नई तस्वीरें यहाँ ले ली जाए मेमोरीज के तौर पर छोटा सा हल्का सा एक वीडियो बनाया हमने कैसे ये गांव के अंदर में आता लेकिन ये इतना सुंदर लेक है ना क्या बताओगे सब ये अब बिल्कुल गंदगी नहीं है कुछ नहीं है। तो मेरी गाड़ी देखो तो एक बात मैं बताना चाहूँगा वो मेरा दोस्त समझ चुका है ये कुछ नहीं बताएगा लेकिन इसने कैसा मुझे दिया वो वीडियो तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं वीडियो में दिखा देख रही है ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का गेट है और यह आईडी प्रूफ लगता है गाइस तो आप अपना साथ आधार कार्ड कैरी कर लीजिएगा और इस गेट के अंदर ही 1 किलोमीटर अंदर जंगल में ही अपना मंदिर है वहाँ भी टाइगर ने एक आदमी को खा लिया था दुकानदार को। तो गाइस हम राम देगी पहुँच चुके हैं और हम चिमूर की तरफ से आ रहे थे और हम रास्ता भटक गए तो हम कैसा चिमूर न जाते हुए हम गांव के थ्रू गांव वाले जंगल वाले रास्ते के थ्रू इधर आए और बहुत पूछते पूछते आए क्योंकि हाँ ना नेटवर्क रहता है ना कुछ रहता है गूगल मैप भी काम नहीं करते और यहाँ आने के बाद पता चला है कि इधर शेर वगैरह सवेरे मतलब आते रहता है और आज सवेरे ही शेर आया था जैसे वो दुकान वाले ने बताया। तो मैं ये इस मंदिर के बारे में आपको कुछ स्पेशलिटी बता देता हूँ। तो भाई ये शिव मंदिर है जिसका निर्माण महाराज जगदेव परमार ने किया था पहले। बहुत सुंदर मूर्ति है गाइस बहुत सुंदर।
भाई सुन लो, यहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं जगह जगह पर। शेर से भी डेंजर मानी गई है मधुमक्खियाँ। बहुत गहराएगी। मैं बताऊंगा गाइस कि यहाँ की जो ब्यूटी है वो कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। नीचे में एक लेक है बहुत सुंदर, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यह मंदिर के पीछे आ गया एक्चुअली। तो गाइस दूसरा है महाराज जी की, या गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है यहाँ, एक सुंदर सी ज़्यादा जगह हमने आज एक्सप्लोर कर चुके हैं रामदेगी में। अभी हम ऊपर आए थे विहार देखने के लिए, यहाँ हमने एक छोटी सी गुफा देखी और पास में एक भगवान बुद्ध की एक अच्छी सी मूर्ति है, हम अभी उसको देखते हैं और फिर सीढ़ियाँ उतर जाएंगे करीबन। तो भाई लोग टाइम आ गया है बाय बाय बोलने का, अभी हम हमारी हवा भी टाइट हो चुकी है, यहाँ से 250 सीढ़ियाँ नीचे भी उतरना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर सोनिक, एक्सप्लोर लाइक अ सोनिक स्पीड। गुड बाय।